हाय फ्रेंड, हाउ आर यू? माय नेम इज़ तलहा। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है, अगर आप दुबई में जॉब सर्च करने के लिए आते हैं तो आपका टोटल ख़र्चा कितना आता है। तो मैं स्टार्टिंग से आपको शुरू से बताता हूँ। पहले तो आपके ऊपर ये आता है कि आप किस तरह की जॉब सर्च करने आ रहे हैं। हालांकि आपके कोई लेबर जॉब कर सर्च करने आ रहे हैं या कोई मीडियम लेवल की जो जॉब सर्च करने आ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव या कोई मैनेजर या हाई लेवल की सर्च करने आ रहे हैं। क्योंकि अगर एज अ ब्लू कॉलर है तो वो आपको जल्दी भी मिल सकती है, ठीक है, वो एक महीना या दो महीने में मिल सकती है। अगर आप थोड़ी अच्छी करना आ रहे हैं तो 2 से 3 महीने भी लग सकती है, 1 महीना भी लग सकता है, और उससे अगर अच्छी और करना आ रहे हैं तो 3 से 4 महीने भी लग सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जैसे वीज़ा लेना पड़ेगा 2 महीने का जो होता है, ये कम से कम आपको जो है इसकी प्राइस जो है 1000 से 1500 के दरमियान है। विज़िट वीज़ा जो 1000 से 1500 दरम है, अगर वो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में आप अपना कन्वर्ट कर लिएगा। और इसके अलावा जो जहाज़ का जो टिकट आ रहा है, जैसे पाकिस्तान का जो आपको पड़ेगा रिटर्न टिकट, वो 1200 दरम तक का पड़ेगा। अभी की मैं प्राइस बता रहा हूँ 2023 मई की। और इंडिया का जो है वो 1500 से 1800 के दरमियान चल रहा है, और बांग्लादेश का जो है वो 2000 से ऐसे भी चल सकता है, ठीक है। और जैसे अगर दूसरी कंट्री से आ रहे हैं तो वो आप ये देख लीजिएगा, एक तो आपकी ये कॉस्ट हो गई, ठीक है। उसके अलावा सबसे पहले उसके बाद जो आता है मेन चीज़ होती है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन यहाँ पे जो है, अगर आप जैसे लो लेवल का लेते हैं, बिल्कुल जैसे एक कमरे में जिसमें 6, 8, 10, 12 बंदे होते हैं, तो वो आपको मिनिमम भी 300 में मिलता है। ये आपको डेरा, अलरिग्गा और बुरदुबई के एरिया में मिल जाएगा, ठीक है। और आप कोशिश यही करिएगा जब भी आप आए दिन के टाइम में आइएगा, सुबह के टाइम में, कि आपकी यहाँ पर फ़्लाइट जो लैंड हो वो 10 बजे तक हो जाए, तो उसमें आपको फाइंड करने में आसानी होगी, वरना बहुत डिफ़िकल्टी भी हो सकती है आपको। और सबसे बेस्ट वे तो यही होगा मेरे हिसाब से कि आप आने से पहले 5-6 दिन पहले तक आप जो है डोबीजल वेबसाइट है उस पर आप सर्च करें, उसमें आप अपनी पसंद का देखें। बास टाइम ये भी होता है कि ये लोग जो है क्या करते हैं, न्यू क्या वो लगाते हैं, जब इनका जैसे सेट होता है ना तो वो वाली पिक्चर लगा देते हैं, और आए तो बंदा देखे कुछ और है, फ़ोटो में कुछ और होता है। क्योंकि जब वो स्टार्टिंग करते हैं तो वो वाली बिल्कुल न्यू फ़ोटो साफ़ सुथरी लगा देते हैं, बाद में जब आओ तो यूज़ वाली वो चीज़ होती है, वो वाला हिसाब किताब होता है। तो आप 3-4 जगहों पे जो एक ही एरिया में देखो आप जैसे, और एजेंट के फ़ोटो वोटो भी होती है, आप उनसे बोले व्हाट्सअप भेजे, भाई मैं इस दिन आ रहा हूँ करके, आप थोड़ी पहले ही रिसर्च कर लेंगे तो बेहतर है। वैसे मेरे हिसाब से तो 80% यहाँ पे आकर ही बंदे को समझ में आता है वहाँ से, क्योंकि वो फ़ोटो कुछ और लगाई भी होती है, प्राइस कुछ और लगाई होती है। मैंने भी लास्ट टाइम जो देखा है कि फ़ोटो लगाई भी होती है तो अच्छी बहुत ज़्यादा, और उसकी प्राइस 1000 दरम लिखी हुई होती है, जैसे पार्टीशन की या बेड स्पेस की, जाके जब पूछो तो बोलते हैं नहीं ये इसकी कीमत कुछ और है, ये वो वाला नहीं है। तो ये भी होता है, तो इसमें बेस्ट वे यही है कि आप आए सुबह 10 बजे के वक्त, और यहाँ पे जो एजेंट का नंबर आप निकाल के रख लें, और आए थे इनको व्हाट्सअप करें तो वो फ़ौरन अवेलेबल हो जाएंगे। डेरा की साइड पर जाएंगे तो वो थोड़ा सा हल्का है, रिग्गा की साइड पर आ जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है, साफ़ सुथरा एरिया है, वो मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा अलरिग्गा, सही है। एक तो ये ख़र्चा हो जाएगा जैसे कि आपको कम से कम भी 300 का है, और उसके अलावा 600, 800, 1000 तक का भी पड़ेगा, वह डिपेंड आपके ऊपर है। मेरे हिसाब से तो अगर आपके पास थोड़ा बजट है तो मुनासिब वाला ही लें, ज़्यादा कम वाले के चक्कर में भी ना जाएं, पैसे बचाने के चक्कर में, क्योंकि एक उसमें 8-8, 10-10, 12 बंदे होते हैं, और वो आपको फिर मोबाइल भी जो है वो साइलेंट पे ही रखना पड़ता है, वो आपको रिंग एंड ट्यून पे नहीं रखने देते, ठीक है। और इसके अलावा अलार्म भी आप नहीं रख सकते, जॉब पे आपको जाना है तो अलार्म तो लगाना ही पड़ता है, ठीक है, ये चीज़ होती है। और इसके अलावा जो है एक तो ये ख़र्चा हो गया आपका, सही है, 500 या 600 ये लगा लें आप। और दूसरी बात है आपका जो खाने पीने का होगा, कम से कम भी अगर आप जो है कमरे में बना के खाएंगे तो 300 से 500 के दरमियान होगा, होटल में खाएंगे तो 800 से 1000 के दरमियान भी हो सकता है। मेरे हिसाब से तो आप जो है वहाँ पे जो है अंदर रूम में बंदे अवेलेबल होते हैं, उनसे आप शेयरिंग कर सकते हैं कि महीने का, बहुत से ऐसे भी करते हैं कि हमें 300 दे दो, हम आपको 3 टाइम का खाना दे देंगे, ये 300-400 जो भी है। ये मैस भी यहाँ पर होता है कि जो किचन 3 टाइम का खाना अवेलेबल कर देते हैं, वो 400 दरम लेते हैं। तो शुरुआत में आप पकाने वगाने के चक्कर में झंझट में नहीं पड़िएगा, आप ऐसे ही कोई काम करिएगा जिसमें आपका फ़ौरन हो जाए। अगर हाँ, अगर जैसे आपके पास टाइम बचता है, रात का टाइम है, तो आप पका सकते हैं, पकाना चाहते हैं तो पका भी सकते हैं, वो ऐसा फिर वो मसला नहीं है। क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप आएँ 2 महीने का टाइम है, आपको ज़्यादा फोकस करना है जॉब सर्चिंग में, अप्लाई में, इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और इसके अलावा ये चीज़ हो गई है, उसके अलावा जो है आपका 600 ये हो गया, खाने का आप लगा लें 500-1100, और मेट्रो का आपका 350 का कार्ड आता है यहाँ पे दुबई के अंदर, अनलिमिटेड आप कहीं पे भी जा सकते हैं, तो वो आप वो वाला कार्ड आप निकाल लें, ठीक है।
तो 350-400 का आपको वो कार्ड पड़ेगा, मेट्रो का कार्ड। आप दुबई में इसमें कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है, तो वो मेट्रो का ही होगा। जैसे अगर आउटसाइड मेट्रो आ गया कहीं और, जैसे जहाँ मेट्रो नहीं चलती, तो आपको वहाँ से टैक्सी पे भी जाना या बस पे भी जाना पड़ सकता है, तो वो एक्स्ट्रा आपका होगा। तो एक्स्ट्रा आपको 500 और ऊपर लेके चलना पड़ेगा, यानी 2000 दरहम टोटल आपका मंथली खर्चा आएगा, 2000 दरहम पर मंथ, ठीक है। और ये जैसे कि ब्लू कॉलर मैंने कहा था या नॉर्मल जॉब कहा था, तो 2-2.5-3 हज़ार वाली तो आपको 2 महीने के अंदर ही मिल जाती है, अगर आप थोड़ी मेहनत करो, पूरी कोशिश करो, CV बनाओ। उसके अलावा जो बिज़नेस एरिया जो है, बिज़नेस बे का एरिया है दुबई, और इसके अलावा जो है अलखेल का एरिया है, और इसके अलावा जो है DMCC है, इन एरियाओं में आप जाओ तो आपको जो है 2 महीने में के अंदर इंशाल्लाह मिल जाती है जॉब, ठीक है, अगर आपके मेहनत के ऊपर है कि आपको कोई इंटरव्यू मिस नहीं करना है, हर जगह अप्लाई करना है, हर तरह की आप CV 5-6 टाइप की CV बना के रखो, हर जगह जो जिस टाइप की जॉब डिस्क्रिप्शन है उसी हिसाब की CV दो, तो ये आपको मिल जाती है। और मेरा, और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि आप जो है अगर यहाँ पर आ रहे हो तो घर का खर्चा वर्चा सारे क्लियर कर कर आओ, 2 महीने का मिनिमम 2 महीने का खर्चा वर्चा सब दे दे करो, ताकि बाद में आते हुए यहाँ पर आपको कोई टेंशन ना हो, ठीक है। और 4000 रुपये तो 2 महीने के हो गए, ये तो आपको रखना है। अगर आप, मैं तो सेफ साइड के लिए, अगर आप अच्छी जॉब ढूंढने आ रहे हो, आप चाह रहे हो मुझे कम से कम 6000-8000-5000 इससे भी अच्छी कोई अच्छी जॉब मिले, तो फिर आपको 4 महीने भी लग सकते हैं। मेरा मशवरा तो ये है, अगर जैसे आपका, अगर जैसे ग्रेजुएशन है, 2-4-5 साल का एक्सपीरियंस है, तो अगर आपको 3000-4000 भी मिल रही है तो आप वो कर लो, क्योंकि स्विच कर सकते हो आप 6 महीने बाद, साल बाद आप स्विच कर सकते हो, ना कि आप क्या चाहो कि मैं जे बहुत अच्छी जॉब मिल जाए, क्योंकि फिर लास्ट टाइम आप दूसरी जगहों पे अप्लाई करने जाते हो तो फिर वो ये भी बोलते हैं कि UAE का एक्सपीरियंस है, भले से आपकी कंट्री का 10 साल का 8 साल का जितने भी साल का एक्सपीरियंस हो, वो यही बोलते हैं कि भाई आपके पास UAE का एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक वीक पॉइंट पकड़ लेते हैं आपका। तो मेरा मशवरा ये है कि अगर आपके पास वो है तो आप ये कर इस तरह करके भी आ सकते हो। और बस ये भी होता है कि जैसे आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो, पर वो 10% चांस है कि वहीं अपनी कंट्री से बैठ के, अगर उसकी आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है, बहुत आपने मतलब डिजिटल मार्केटिंग, IT सेक्शन, कोई इस तरह आप ऐसी चीज़ों पर हो जो आपकी स्ट्रांग है, तो आप वो भी कर सकते हो, मतलब वहाँ से बैठ के भी हासिल कर सकते हो, पर उसका 10% चांस है। और इसके अलावा जो कोई अच्छे वाले जो होते हैं ना, मतलब जो UAE के अंदर रजिस्टर्ड वाले वो होते हैं, मतलब जो रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है, वो भी काम अच्छा कर लेते हैं। अगर वो उनसे आपका रबता हो तो आप उनको यही बोलो, भाई अगर कोई ख़र्चा पानी भी आपको चाहिए तो वो हम ऑफ़र लेटर के बाद फर्स्ट सैलरी पे दे देंगे आपको, अगर वो कुछ आपसे मांगते भी है। वैसे तो अलाव नहीं है, वो खाली एम्प्लॉयर से ले सकता है, आपसे कोई नहीं ले सकता। अगर वो मांगते भी तो आप यही बोलें कि हम आपको देंगे पर फर्स्ट सैलरी पर देंगे, क्योंकि फिर वो पहले वो ले के वो जो है आपको जो है फिर गोली देते रहेंगे कि अभी होगा तभी होगा, अभी ये हो गया वो हो गया, मसला हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो ये इस तरह आपके पैसे भी डूब जाएंगे और इस वाले चक्करों में आप वो फिर वो स्टक भी हो जाएंगे। तो टोटल मैंने आपको सारी चीज़ों को बता दिया है, ठीक है। और जो वीज़ा, ये भी मैं थोड़ा सजेशन दे दूंगा, जो आप जहाँ जॉब ले रहे हैं तो उनसे आप वीज़ा का भी मालूम कर लीजिएगा, भाई वीज़ा सब कुछ आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे ना, क्योंकि बास टाइम बोलते हैं कि हम वीज़ा नहीं देंगे, 6 महीने बाद देंगे या ऐसे देंगे, तो इसमें हर केस ना लगिएगा। तो आप जो वीज़ा जो आपको दे रहा है वो उसी में ही आप जो है फ़ौरन आप बोले भाई मेरा फ़ौरन प्रोसेस स्टार्ट करो, लेबर कार्ड और वीज़ा और ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, हमारे जो है चैनल अभी न्यू है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी सवाल हो वो इंस्टाग्राम के अकाउंट में भी पूछ सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं। मैं कमेंट जो ज़्यादा आती है मैं उससे रिलेटेड वीडियो भी बनाता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको जो भी दुबई से रिलेटेड वो है अपडेट वो मिलते रहेगी। ओके, बाय।